हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिधि अग्रवाल और आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रही हूँ जो कि आपकी जिपमर में काम में आएगी, इंग्लिश की। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जैसे हमारा एम्स में जीके वगैरह आते हैं वैसे ही जिपमर में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कुछ रूल्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो उस हिसाब से आप अपनी इंग्लिश जो है वो अच्छी भी कर सकते हो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूल से। सो स्पॉटिंग द एरर्स के कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। पहला है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कई बार ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं, कुछ नाउन्स वो प्लूरल वर्ब लेती ही नहीं है। जैसे सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़, मिसचीफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, ये सारी जो नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। जैसे हमने पहली नाउन क्या पढ़ी, सीनरी, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एंजेंटिंग, ये गलत है, आर नहीं लगेगा उसमें। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एंजेंटिंग, सिंगुलर वर्ब। फिर ही हैज़ गिवन एडवाइसेस, तो एडवाइसेस उसने हालांकि सुझाव दिए या मुझे एडवाइस, एडवाइस ही बोलते हैं हम, एडवाइसेस नहीं बोलते। तो ही हैज़ गिवन एडवाइस, नॉट एडवाइसेस। देन द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय इनिंग्स, तो ऐसे नहीं लिखते हम, तो ऐसे लिखेंगे इसको, द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग्स। सिर्फ इनिंग्स ना लिख के बाय एन इनिंग्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैथमेटिक्स आता है, तो मैथमेटिक नहीं बोलते हैं, मैथमेटिक्स आर नहीं बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी बोलते हो आप, यहाँ बोलोगे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें इसको करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इफ़ वी हैव टू इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ न्यूज़, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन और फर्नीचर इज मोर देन वन, तब हम क्या करेंगे। अगर हमें ये चीज़ इंडिकेट करनी है कि जो न्यूज़ का या कोई एडवाइस का या इन्फॉर्मेशन का या फर्नीचर का नंबर जो है एक से ज़्यादा है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ टू टेल। यस, ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव मोर देन वन न्यूजेस टू टेल यू, न्यूजेस नहीं बोलेंगे, न्यूज ही बोलते हैं हम। तो आई हैव अ लॉट ऑफ न्यूज टू टेल यू, या ही हैज सोल्ड मेनी पीसेज ऑफ हिज फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, फर्नीचर ही बोलेंगे। तो इस तरह से कई ऐसी नाउन्स होती है जो सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट दे आर यूज एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अब कुछ नाउन्स होती तो सिंगुलर में है लेकिन हम उनको प्लूरल नाउन्स की तरह ही यूज करते हैं और वो प्लूरल वर्ब ही लेती हैं, जैसे कैटल, जेंट्री, वोमेन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस, ये सब। इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, द कैटल इज ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड, ऐसे नहीं बोलते, द कैटल आर ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड। तो कैटल है, कैटल्स नहीं बोलेंगे, है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लेकिन वो प्लूरल नाउन की तरह काम में आएगी, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन दी ग्राउंड। या फिर द क्लर्जी आर इन द चर्च, क्लर्जी इज इन द चर्च नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसी सिंगुलर नाउन्स होती हैं जिनको हम प्लूरल नाउन्स की तरह काम में लेते हैं और वो प्लूरल वर्ब ही टेक अप करती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स एंड ऑलवेज टेक अप प्लूरल वर्ब। अब कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही हम यूज करते हैं और वो प्लूरल वर्ब ही लेती हैं, जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स। इनको हम सीजर नहीं बोलते, हम सीजर्स ही होता है, हम ऐसे आमचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं सीजर, लेकिन सीजर्स होता है। ट्राउजर बोल सकते हैं लेकिन ट्राउजर्स ही होता है, असली वर्ड ट्राउजर्स ही है। शॉर्ट्स, मीजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, चार्टल्स, एनल्स, ये सब जो है हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। वेयर इज माई ट्राउजर नहीं बोलेंगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ऐसे बोलेंगे। या स्पेक्टेकल्स इज नाउ अ कॉस्टली आइटम, ये गलत है, स्पेक्टेकल्स आर नाउ अ कॉस्टली आइटम। तो ये नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज ही नहीं होती है और वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ईजी ईजी है हमारे पास, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स और ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा, देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। वेन दे आर प्रिसीडेड बाई न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज इन फॉर्म। तो कई ऐसी नाउन्स होती हैं जो लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर ये इंडिकेट करती हैं। तो जब इनके पहले एक नंबर आता है तो वो अपनी फॉर्म में अनचेंज रहती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी नाउन्स हैं, जैसे फुट हो गया या फिर मीटर हो गया या पेयर या स्कोर या डजन, हेड, ईयर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, तो ये सब नंबर बता रही हैं।
तो अगर इनके पहले हम नंबर लगा देंगे तो वो अपनी फॉर्म में अनचेंज रहेंगी. जैसे इट इज़ अ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे इट इज़ अ 3 ईयर डिग्री कोर्स. फिर आई हैव 10 dozens ऑफ शूज, तो 10 हमने लगा दिया तो dozens नहीं लगाएंगे, आई हैव 10 dozen ऑफ शूज और आई हैव 10 dozen ऑफ बनानास, इस तरह. देन नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन, सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी. दे आर बोथ यूज एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग. तो कई कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे पब्लिक है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बन रही है, टीम भी बहुत सारे लोगों से मिलकर बन रही है, कमिटी भी, गवर्नमेंट भी, ऑडियंस भी. तो इस तरह की जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी, डिपेंड करता है कि हमारा मीनिंग क्या है. जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन द केस, ये गलत होगा. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दिस केस, इस केस में ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड थी. सेकेंड आता है द टीम हैव नॉट कम एज येट, तो हैव नहीं लगाएंगे इसमें, एक टीम एक पूरी हो गई तो टीम हैज नॉट कम एज येट, टीम अभी तक नहीं आई है, ठीक है. फिर आती है हमारी नेक्स्ट, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में मीनिंग अलग होता है. जैसे एडवाइस जो है हमारा ADVICE, अगर हम सिंगुलर में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा काउंसिल, और अगर एडवाइसेस होगा तो वो होगा इन्फॉर्मेशन. फिर एयर जैसे है तो वो है एटमोसफेयर, लेकिन एयर्स AIRS जो है उसका मतलब होता है प्राउड. देन अथॉरिटी का मतलब होता है कमांड, और अथॉरिटीज मतलब होता है पर्सन्स एंड पावर, जो लोग पावर में है वो अथॉरिटीज हैं. फिर गुड, अगर GOOD गुड लिखा है तो वो वाइज होगा, और गुड्स मतलब प्रॉपर्टी होगा. ऐसे ही आयरन मतलब जो है वो मेटल होता है, लेकिन आयरन्स मतलब चेन्स या फेटर्स जो होते हैं हमारे वो. फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, लेकिन फोर्सेस मतलब आर्मी. फिर फिजिक मतलब मेडिसिन, नहीं फिजिक्स मतलब फिजिकल साइंसेस, इस तरह से. वर्क मतलब जॉब, वर्क्स मतलब फैक्ट्रीज या कॉम्पोजिशन. फिर अर्निंग्स मतलब इनकम, लेकिन अर्निंग मतलब इनकम, लेकिन अर्निंग्स मतलब सोइंग्स. ऐसी क्वार्टर मतलब 1/4, लेकिन क्वार्टर्स मतलब हाउसेस, जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं जैसे. तो इस तरह से कई ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग है और प्लूरल में अलग है. लाइक एयर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, फिर इट हैड बेड टू पुट ऑन एयर्स. दूसरा अगर हम क्वार्टर का लें तो आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द केक, और आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द पेस्ट्री, लेकिन आई लिव इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स और माई सर्वेंट लिव इन द सर्वेंट क्वार्टर्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा पीपल आर ऑफन कन्फ्यूज और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स. अब कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनमें हम गलती कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं. जैसे लेक्चररशिप इज रॉन्ग, लेक्चरशिप इज करेक्ट, ठीक है. लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है. हम लेक्चररशिप बोल देते हैं लेकिन लेक्चरशिप होता है. जैसे देयर आर 20 कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, ना कि लेक्चररशिप. दूसरी तरफ फ्रीशिप गलत है, फ्री स्टूडेंटशिप जो है वो सही है. रमेश हैज़ अप्लाइड फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रीशिप बोल देते हैं लेकिन वो गलत है, फ्री स्टूडेंटशिप करेक्ट होता है. देन बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट, BORDING, बोर्डिंग रॉन्ग है लेकिन बोर्डिंग हाउस अगर हम लगा दे तो वो सही होगा. मोहन लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, हम बोलते हैं ना वो बोर्डिंग में रह रहा है, तो वो बोर्डिंग गलत है, बोर्डिंग हाउस सही होता है. देन फैमिली मेंबर्स इज रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट. विवेक एंड रमेश आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली या आर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, दे आर फैमिली मेंबर्स नहीं लिखेंगे, बोलते हैं हम, हालांकि आम भाषा में जो भी हम गलत बोल, जो भी मैं गलत बता रही हूँ वही चीज़ें हम बोलते हैं लेकिन वो गलत हैं. देन इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट. जैसे डॉक्टर रायना इज आर टीचर ऑफ इंग्लिश, तो वो चीज़ सही होगी. देन कजन, ब्रदर और सिस्टर इज रॉन्ग, ओनली कजन इज करेक्ट. गीता हम बोलते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो ऑब्वियसली शी लग गया तो वो आपकी सिस्टर ही है, तो उसमें हम आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो सिस्टर है या ब्रदर है. जैसे मैं बोलूँ रमेश इज़ माई कज़न, तो ये सही है, रमेश इज़ माई कज़न, ब्रदर नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो हम ये चीज़ गलत बोलते हैं, आगे हमें सिस्टर या ब्रदर नहीं लगाना, सिर्फ कज़न से ही काम चल रहा है क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है. और एक और चीज़ है इसमें, जैसे हम लिखते हैं आर्स, योर्स, हर्स या देयर्स, तो ये चीज़ करेक्ट है, लेकिन हम जो ऐसे लिखते हैं आर फिर अपोस्ट्रॉफी एस, ये रॉन्ग है. आर्स ऐसे नहीं, आर्स ऐसे लिखा जाएगा, योर्स, ये सब चीज़ें करेक्ट, ठीक है. देन नेक्स्ट है रिमेंबर द सटल डिफरेंसेस इन द यूसेज ऑफ सम पेयर्स ऑफ नाउन्स. अब कुछ पेयर्स बताऊंगी मैं आपको नाउन्स के, जिनके बीच में कुछ डिफरेंसेज होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. जैसे द नाउन हैबिट अप्लाइज ओनली टू एन इंडिविजुअल, वेयर एज कस्टम अप्लाइज टू अ सोसाइटी और कंट्री. तो अगर हम हैबिट बोलेंगे तो वो एक इंडिविजुअल के लिए होगी,
लेकिन अगर हम कस्टम बोलेंगे कि ये रिवाज है या ये कस्टम है, तो वो पूरी कंट्री को या एक पूरी सोसाइटी को अप्लाइड रहेगा। जैसे पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स, जो पुअर बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें कई बार जो है गलत आदतें पड़ जाती हैं। एंड जब हम कस्टम यूज करेंगे, सो ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मेनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स, इस तरह से यूज करेंगे। दूसरा है कॉज और रीजन। कॉज जो है वो इट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, कॉज जो है वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, व्हाइल रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज अ कॉज, तो उस कॉज को एक्सप्लेन जो है वो रीजन करता है। तो कॉज और रीजन जो है हमारा, उसमें काफी डिफरेंस है। तो साइंटिस्ट जैसे हैं किसी चीज का, किसी फेनोमेना कोई हो रहा है तो उसका कॉज ढूंढने में लगे हुए हैं, और यू हैव अ गुड रीजन टू बी प्लीज विद योर स्टूडेंट्स, आपके पास एक अच्छा रीजन है कि आप अपने स्टूडेंट से खुश रह सकते हो। तो कॉज जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और रीजन जो है वो उस कॉज को एक्सप्लेन करता है या जस्टिफाई करता है। तीसरा आता है मैन, इट इज यूज इन ऑर्डिनरी सेंस, MAN, वाइल जेंटलमैन इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो मैन तो हम ऑर्डिनरी सेंस में किसी के लिए भी यूज में ले लेते हैं, लेकिन जेंटलमैन हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी कैरेक्टर, एक इंसान के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक ही इज अ जेंटलमैन, तो उसको हम जेंटलमैन यूज करेंगे, या मैन इज मॉर्टल, तो हम वो एक कॉमन सेंस में यूज कर रहे हैं उसको। फिर चौथा आता है MEN, तो मैन जो है वो प्लूरल होता है MAN का, और पीपल जो है वो पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे देयर आर 5 मैन इन द रूम, तो 5 आदमी है रूम में, लेकिन जो पीपल है राजस्थान के, दे आर वेरी सिंपल, तो वो हम सब लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। फिर शेड जो है वो एक ऐसा जगह होता है जहां से हमें सन से जो है राहत मिलती है, शेल्टर मिलता है। और शेडो क्या होती है, किसी भी एक फॉर्म या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एक शेड जो बनती है वो। तो शेड और शेडो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे कॉस्ट और प्राइस भी अलग अलग है। कॉस्ट मतलब जो अमाउंट शॉपकीपर पे करता है, और प्राइस जो अमाउंट हम पे करते हैं, कस्टमर पे करता है, उसको हम प्राइस बोलते हैं। देन हाउस एक बिल्डिंग है रहने के लिए, और होम जो है वो आपका नेटिव, जो आपका घर है, जो नेटिव प्लेस है आपकी, वो आपका होम है। देन कस्टमर जो गुड्स खरीदता है, और क्लाइंट वन हु अवेल्स ऑफ अ सर्विस, जो कि एक सर्विस का यूज करता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। नेक्स्ट आता है हमारा, अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। तो एक प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना चाहिए, चाहे वो पर्सन में करे, चाहे वो नंबर में करे, और चाहे वो जेंडर में करे। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, अ थिंग और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स बिफोर अनदर। तो एक पूर्व घटना होती है ना जो, उसको हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, तो ये गलत है, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, ये सही होगा। तो हर एक प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। जैसे एवरी मैन मस्ट ब्रिंग्स हिज लगेज, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट कैरी हर ओन बैग। तो ईच आ गया मतलब एक के लिए यूज में आ रहा है, तो हम बाद में भी हर या हिज एक ही यूज करेंगे, देयर यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसको हमें काम में लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाइल यूजिंग एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी एंड ईच, द प्रोनाउन ऑफ द मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर इज यूज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। सो जैसे हम कुछ भी अगर यूज करें, चाहे एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, ईच, इस तरह का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जो प्रोनाउन है मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर का, वो कंटेंट के हिसाब से हमें यूज करना होगा। जैसे एक है, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क, तो ये गलत है, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड हिज टास्क, वही जो हमने पहले वाले में पढ़ी उसी तरह का है ये। फिर आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस, बट वेन द सेक्स इज नॉट मैंशन वी यूज द प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। जब सेक्स मैंशन नहीं कर रखा है तो हम मैस्कुलाइन जेंडर ही यूज करते हैं। जैसे एनी वन कैन डू दिस जॉब इफ ही ट्राइज, इफ शी ट्राइज नहीं लिखेंगे हम, इफ ही ट्राइज लिखेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा, द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वन एपोस्ट्रॉफी एस, तो वन मस्ट फिनिश हिज टास्क इन टाइम, ये गलत है, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क इन टाइम। तो अगर प्रोनाउन वन है तो उसके बाद हमें वंस ही लगाना होगा, हिज या हर नहीं लगा सकते। देन नेक्स्ट आता है हमारा, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, एटसेट्रा, व्हेन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। तो जब हम इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह काम में लेते हैं, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगाती हैं अपने बाद। एंड व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माय, योर, हिम, हर एंड इट एंड सेल्व्स टू आर्स एंड देम, दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब हम सेल्फ ऐड कर देते हैं माय, योर, हिम या हर के बाद, जैसे माय सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, या फिर
आर्स और देम के बाद हम सेल्व्स ऐड कर देते हैं, यानी कि आर सेल्व्स देम सेल्व्स, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ये गलत है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसको यूज कर रहे हैं एब्सेंट को, एब्सेंटेड, तो हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने खुद को क्लास से एब्सेंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हु डिनोट्स द सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज फॉर द सब्जेक्ट। हु और हुम में काफी जो है आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो हु जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है और हुम जो है वो हम ऑब्जेक्ट के लिए काम में लेते हैं। जैसे हुम डू यू थिंक वन द अवार्ड, ये गलत है। हु डू यू थिंक वन द अवार्ड, तो क्योंकि हु जो है वो एक सब्जेक्ट है। लेकिन हु आर यू टॉकिंग टू गलत है, हुम यू आर टॉकिंग टू सही, क्योंकि वहां पे हम ऑब्जेक्ट की तरह हुम को काम में ले रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह हम काम में ले रहे हैं, इसलिए हम हुम यूज करेंगे। सो तुम्हें क्या लगता है कि कौन अवार्ड जीतेगा? हु विल विन द अवार्ड, हु डू यू थिंक विल विन द अवार्ड। और ये है हु यू आर टॉकिंग टू गलत है, हुम यू आर टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और कौन अवार्ड जीतेगा मतलब सब्जेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ईदर और नीदर और एंड और द प्रोनाउन इज सिंगुलर। तो जब दो सिंगुलर नाउन्स को हम जॉइन कर देते हैं या तो ईदर और से या नीदर नॉर से या फिर और से, तो प्रोनाउन हमारी सिंगुलर लगती है। जैसे ईदर राम और श्याम विल गिव देयर बुक, ये गलत है। ईदर राम और श्याम विल गिव हिज बुक, क्योंकि प्रोनाउन हमें सिंगुलर लगाना है क्योंकि ईदर और आ गया। दूसरा नीदर रमेश और राजेंद्र हैज डन देयर वर्क, ये भी गलत है। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज डन हिज वर्क, वो सही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर जॉइंड बाय और नॉट द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। तो जब सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन को हम और या नॉट से जोड़ देते हैं तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। कैसे? ईदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, ये गलत है। Either the engineer or his mechanics failed in their duty. तो यहाँ पे engineer जो है वो singular हो गया और mechanics जो है वो plural हो गया, इसलिए जो हमारा pronoun आएगा वो plural आएगा, यानी कि failed in their duty, ना कि failed in his duty. ठीक है, then next है whose is used for living person and which for lifeless objects. तो जैसे who और whom use किया था हमने, वैसे ही whose जो है वो लिविंग पर्सन के लिए काम में लेते हैं, हम जीते जागते इंसान के लिए, और विच जो है हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए काम में लेते हैं। जैसे विच फोटोग्राफ इज लाइंग देयर, वो गलत है। हूज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर, वहां पर किसकी फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोले, किसकी फोटोग्राफ है, तो जिसकी फोटोग्राफ है वो तो इंसान लिविंग है ना, तो हूज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। या फिर व्हाट बुक डू यू रीड, वो गलत है। विच बुक डू यू रीड, कौन सी बुक तुम रीड कर रहे हो, क्योंकि बुक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे विच यूज होगा। Then next is each other is used when there are two subjects or objects and one another when there are more than two. तो जब दो subjects या दो objects हैं तो हम each other use करेंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा हैं तो हम one another use करेंगे। जैसे Romeo and Juliet loved each other, तो यहाँ पे दो ही subject है हमारे पास, फिर एक one another का भी देख लेते हैं। Now those 10 friends who are walking there love one another, तो वो 10 दोस्त जो वहां पे walking कर रहे हैं, walk कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक incorrect और correct statement भी बता देती हूँ उसमें, all the students of the class are friendly, they love each other, ये गलत है क्योंकि class में बहुत सारे students हैं, दो नहीं है, दो से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, all the students of the class are friendly, they love one another, इस तरह से। तो अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हुए तो वन अनदर यूज करोगे, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स हुए तो ईच अदर यूज करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड इन द न्यूट्रल जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। तो जब एक प्रोनाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन की तरह स्टैंड कर रहा है तो वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए और न्यूट्रल जेंडर में होना चाहिए अगर कलेक्टिव नाउन को हम एज अ होल देख रहे हैं तो। जैसे द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पे ज्यूरी वर्ड जो है वो हमें एक पूरे एक होल का आइडिया दे रहा है कि ज्यूरी जो है वो एक एक पूरा चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है, एक पूरी चीज है। तो इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी प्लूरल। तो अगर कलेक्टिव नाउन जो ऐसा आइडिया कन्वे कर रहा है कि अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो एक पूरे उसको कंप्राइज कर रहे हैं, तब प्रोनाउन जो होगा हमारा वो प्लूरल होगा। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी जो है अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड थी, तो इसमें यहाँ पे हम देयर लगाएंगे। तो यहाँ पे ज्यूरी जो है वो हमें क्या आइडिया दे रही है कि इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। ठीक है,
जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन दिस ओपिनियन अबाउट प्लेइंग ऑन संडे, तो ये गलत है. द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट प्लेइंग ऑन संडे, तो टीम जो है वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में कि वो संडे को प्ले करेंगी या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर टू बी यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस द सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन्स शुड बी एज फॉलो. जैसा कि मैं बता रही हूँ, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन इन अ गुड नॉर्मल सेंटेंस. लेकिन अगर एक फॉल्ट यहाँ पे आया तो ऑर्डर होगा वन पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं नॉर्मल सेंटेंस में. देखो पहले तो इसको समझा देती हूँ मैं. अगर प्रोनाउन जो है मैं अलग अलग इंसान का यूज करना है एक ही सेंटेंस में, तो हम सीरियल ऑर्डर निकालेंगे. तो नॉर्मल सेंटेंस में हम 2-3-1 रखेंगे, और अगर जो कन्फेशन वाला सेंटेंस होगा उसमें 1-2-3 रखेंगे. तो नॉर्मल सेंटेंस देख लेते हैं. यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क. तो यू हो गया मतलब सेकेंड पर्सन, ही मतलब थर्ड पर्सन, और आई मतलब फर्स्ट पर्सन. तो यू, ही एंड आई फिनिश्ड द वर्क, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस. अगर हमें कन्फेशन करना है, ब्लेम करना है, उसका कन्फेशन करना है, तो आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम. तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ही थर्ड पर्सन. तो इस तरह से करेंगे. अब एक इनकरेक्ट सेंटेंस बताती हूँ. राम, आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज. तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस है. तो इसमें हम राम, आई एंड यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सेकेंड, थर्ड एंड वन लगाना है. तो सेकेंड में हम क्या लगाएंगे, यू, थर्ड में राम, और फिर फर्स्ट में आई. तो यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, इस तरह से करेंगे. और आज का लास्ट रूल क्या है, सम इज यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, एंड एनी इज यूज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए, तब हम सम लगाएंगे. लेकिन अगर हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो हम एनी लगाएंगे. जैसे आई शैल बाय सम एप्पल्स, या आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगाया, आई शैल बाय सम एप्पल्स. और अगर नेगेटिव होगा, आई शैल नॉट बाय, तो हम लगाएंगे एनी एप्पल्स. या हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, तुम क्या कुछ एप्पल्स लाए, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, हम किसी से पूछताछ कर रहे हैं, तो इसमें भी हम एनी लगाएंगे. लेकिन सम में भी करेक्टली यूज इन इंटेरोगेटिव सब्सटेंसेस विच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट. लेकिन हम सम यूज कर सकते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो कि रिक्वेस्ट के तौर पे काम में आते हैं. जैसे विल यू प्लीज गिव मी सम मिल्क, तो हम उससे पूछ नहीं रहे, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो हम ये नहीं बोलेंगे दैट विल यू प्लीज गिव मी एनी मिल्क, हम यहाँ पे लिखेंगे विल यू प्लीज गिव मी सम मिल्क. फिर आई शैल रीड एनी बुक गलत है, आई शैल रीड सम बुक्स क्योंकि अफर्मेटिव है. फिर एक इनकरेक्ट और देती हूँ, हैव यू बॉट सम एप्पल्स गलत है क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं. सो हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, वो सही होगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 20 रूल्स. इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं और भी रूल्स लेके आऊंगी आप लोगों के लिए. 1 जून तक हम जिपमर के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसा रहता है. ठीक है, सो से ये सारे रूल्स अगर ध्यान में रखोगे तो इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. ठीक है, और हो सकता है मैं 1 तारीख को रूल्स ना लेके कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए. ऐसा ही करते हैं, 1 को हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसको आपको सॉल्व करके और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा. ठीक है, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर्स आप लोगों को बताने होंगे. सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे. अगर किसी भी रूल में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और आज ही एक वीडियो मैंने प्रीमियर किया है नीट के रिगार्डिंग, नीट 2019 के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ आपने गलती की है तो उसको किस तरह से आपको सही करना है, तो वो आप देख लेना. उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ. ठीक है, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, इन चारों जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.